जब यह तय हो गया कि यह राम मंदिर है तो राम मंदिर के बदले में मस्जिद क्यों? जिसके कार्यकाल में फैसला आया है हम तो उसी को वोट देंगे। आदरणीय सम्मानीय पूजनीय नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में मतलब घोषणा की कि मतलब 450 रुपए का सिलेंडर देंगे। ये तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो पूरे मतलब हर राज्यों में करना चाहिए। आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा और 2024 में राहुल गांधी का ही राज होगा। कांग्रेस एकदम खत्म हो चुकी है, उसका खेल खत्म हो चुका है, खत्म एकदम। राम मंदिर मंदिर पे ये सिर्फ एक वो छलावा है। राम मंदिर सबका है, हमारा एक का नहीं है, या भाजपा वालों का मंदिर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, 2024 के चुनाव दिन ब दिन करीब होते जा रहे हैं, जिसको लेकर देश के अंदर चुनावी माहौल बहुत गर्म होता जा रहा है। तो हम जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 के चुनाव में उनके क्या मुद्दे होंगे और वो किन मुद्दों पर चुनाव में वोट देंगे। तो आप 2024 के चुनाव में किन मुद्दों पर वोट देंगे? मुद्दे तो बस एक ही हैं, शिक्षा, बेरोजगार, चिकित्सा, भ्रष्टाचार। ये मुद्दे आजकल कहाँ होते हैं? ये आज तो मुद्दा है राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम, ये मुद्दे तो पहले जमाने में हुआ करते थे। ये बताओ, पूरे भारत के वोट के बारे में सोच रहे हो कि क्या क्या मुद्दे होंगे कि हमसे हमारे सवाल पूछ रहे हो? ये पहले बताओ, अगर मुझसे पूछ रहे हो तो हमारा मुद्दा तो यही है, बाकी किसके क्या मुद्दे हैं, सबकी अपनी आवश्यकता अनुसार उसके मुद्दे होते हैं। अच्छा, हमें और हमारे बच्चों के लिए मुझे यही लगता है कि शिक्षा आसानी से हो, जो कि स्कॉलरशिप 2-3 सालों से मिल नहीं रही है उत्तर प्रदेश में, और 95% बच्चे स्कॉलरशिप के भरोसे पढ़ते हैं, माँ बाप का सहयोग उसमें प्राप्त होता है। स्कॉलरशिप 1-2% भी नहीं आ पा रही हैं, जो भी आ रही हैं वो मुस्लिम परिवार की आ रही हैं। और DM ने बुला करके कहा है, जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि केंद्र सरकार के जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी मुस्लिम तुष्टिकरण कर रही है। जी हाँ, ऐसा DM लोगों ने निर्देश जारी किए हैं, स्कूलों को बुला के कहा है कि अधिकतम अल्पसंख्यकों का जो है फॉर्म भराया जाए, बस। हाँ, ये कहा गया। बच्चों का नहीं भरा जाएगा, अल्पसंख्यक में आप हिंदू समझो चाहे मुसलमान समझो, अल्पसंख्यक में तो मुसलमान ही आते हैं और जैन भी आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई जो भी हैं, उतने में सारे लोग अल्पसंख्यकों का ही फॉर्म भराया जाए, इसे फोकस करने की बात। योगी जी मोदी जी भी मुस्लिम तुष्टिकरण बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट रूप से किया, अगर तुष्टिकरण ना होता तो मस्जिद क्यों बनाते? राम मंदिर के बदले मस्जिद का पैसा क्यों देते? मस्जिद की जगह क्यों दे रहे होते? तो मस्जिद से भी ऐतराज है, क्यों नहीं ऐतराज है? जब यह तय हो गया कि यह राम मंदिर है तो राम मंदिर के बदले में मस्जिद क्यों? इसी बात की तो लड़ाई है, शंकराचार्य हमारे यही तो कह रहे हैं। ये 30-32 साल पहले होगा, जब PV नरसिम्हा राव आए थे तब भी ये फार्मूला बना था कि हम आधा मंदिर को दे देते हैं, आधा मस्जिद को दे देते हैं। निश्चलानंद स्वामी ने कहा था, गोवर्धन पीठ के पीठाधीश्वर ने कहा, शंकराचार्य जी ने कहा था कि जो है जब ये हिंदुओं का है मंदिर है तो आखिर मस्जिद को आधा क्यों? आखिर वही फार्मूला आज फिर लेकर के आप आ गए। अच्छा। तो इसीलिए तो हमारे चारों शंकराचार्य ने बहिष्कृत कर दिया, धर्माचार्य बहिष्कृत कर रहे हैं कि जब आप मंदिर और मस्जिद दोनों बनाना चाहते हैं तो हमारी क्या आवश्यकता है? तो हम इसलिए नहीं आ रहे हैं वो लोग। तो तुष्टिकरण की नीति ये जानते हैं कि मुस्लिम वोट ही हमको ज्यादा चाहिए, सारी पार्टी हम दुनिया भारत की जितनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी तो साफ साफ इनकार करती है हमें मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए। तो जफर इस्लाम कौन है जिनको राज्यसभा का मेंबर बनाया, वो कौन है? पूर्व सांसद हो गए वो। बुक्कल नवाब कौन है? बनाया तो था, पूर्व हो चाहे वर्तमान हो, बनाया तभी तो पूर्व हुए ना। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मुस्लिम सांसद नहीं है संसद के अंदर। क्यों, अभी MLC 2-3 बनाए गए हैं। भैया, आपके किन मुद्दों के ऊपर चुनाव होंगे और आपके लिए क्या मुद्दा है जो 2024 में आप जिस मुद्दे पर वोट देंगे? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये मुद्दा ही खत्म करिए, सबसे पहले तो भाई साहब का जवाब देना चाहता हूँ जिन्होंने। नहीं, आप अपने मुद्दे पर दीजिए, उनका अपना ओपिनियन था, उनको अपना रहने दीजिए। देखिए, सबसे पहला तो हमारा मुद्दा रहेगा राम मंदिर का मुद्दा। अच्छा। जो 500 साल बाद हल हुआ है। अच्छा। इसकी सरकारें रही हैं, कोई भी इसी प्रकार का भी किसी ने जो है उस पर निर्णय नहीं ले पाई सरकार ने कहा गया सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट अरे भाई साहब क्या 2014 के बाद ही सुप्रीम कोर्ट आया था क्या? इससे पहले कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं होते थे क्या? 2014 के बाद ही सुप्रीम कोर्ट बना है, तो 2014 के बाद ही तुरंत कौन सा मुद्दा मतलब सुनवाई चल पड़ी भैया? बिल्कुल, अरे क्या बात कर रहे हैं आप, निर्णय क्या मतलब है, लेने में क्या इतना समय लगता है? और सरकारें थी इससे पहले, कितने राज किया उन्होंने, कुछ कर पाए, हल निकला नहीं निकला? ये जस्टिस गोगोई ने अपने अपने कार्यकाल में सुनवाई की, इसकी पूरा करके सुन लीजिए। जिसके कार्यकाल में फैसला आया है हम तो उसी को वोट देंगे। अच्छा, बिल्कुल देंगे, हम उनको क्यों वोट दें जो हमेशा विरोध में थे? क्यों दो भैया वोट हम क्यों दें जो वो खुद कहते हैं कि राम कौन है? राम एक काल्पनिक है। कौन कहता है? अरे आप मीडिया वाले हैं, आपको तो बहुत अच्छे से पता होगा, हम लोग से ज़्यादा तो आप जानते होंगे बेटर। जो खुद वो कहते थे कि एक राम एक काल्पनिक है, राम कहाँ पैदा हुए हैं, उनको सबूत चाहिए होता था। ये सिंबल वो कपिल सिंबल है, वो कहते थे कि राम कहाँ पैदा हुए हैं। राम सुन लीजिए, कपिल सिंबल ने अपने ट्विटर हैंडल पे बाकायदा उन्होंने एक ट्वीट किया है
कि बोले मैंने कभी जिंदगी में ऐसा नहीं कहा, ये फैक्ट मेरे बारे में फर्जी खबर फैलाई जाती है। अच्छा, उनका अपना मोबाइल निकालिए और ट्विटर हैंडल पर उनका देख लीजिए, अगर उन्होंने ऐसा कहा होगा तो आप मुकदमा कर दीजिए उनका मनाने का। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं आप, उन्होंने कहा नहीं होता तो ये मुद्दा क्यों उठता है, ये आज का मुद्दा उठाए क्या कि अभी का ही मुद्दा उठ रहा है? मुद्दे तो बहुत सारे बेवजह। और उसके बाद सुन लीजिए, उसके बाद सुन लीजिए, उनके ही नेता, उन्होंने बड़े नेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, नाम ले लीजिए आप, कपिल सिब्बल का ही ले लीजिए। अरे सुन लीजिए सुन लीजिए, माननीय सोनिया गांधी जी बोलते राम एक काल्पनिक है, राम एक काल्पनिक है, तो उनका जो है वो सीधे बोलते थे भैया कि राम कहाँ पैदा हुए हैं। अरे अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, मैं उस कपिल सिब्बल से पूछना चाहता हूँ, मैं उस राहुल गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, मैं उस सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, एक कागज को टुकड़े को छोड़ दो, तुम बताओ कहाँ पैदा हुए हो। चैलेंज कर रहा हूँ, चैलेंज खुला चैलेंज कर रहा हूँ मैं। टुकड़े का क्या है उनका? बिल्कुल सिब्बल तिबादे, इसमें ज्यादा बताने घुमाने फिराने की जरूरत नहीं, जिसके लिए मैं बोल रहा हूँ उनके पास वीडियो पहुँचा दीजिएगा। ठीक ठीक बिल्कुल धन्यवाद। क्या मुद्दे होंगे 2024 में आपके, जो आप 2024 में जिन पर वोट करना पसंद करेंगे? सर देखिए 2024 का जो इलेक्शन होने जा रहा है उसमें मुद्दे महंगाई बेरोजगारी ये होगा। भारत जैसे विकासशील देश में मतलब सरकारें कह रही हैं कि उत्तर प्रदेश को इंडिया को मतलब विकसित बनाएंगे, जब मतलब 16 सितंबर 2023 को लखनऊ में इतना पानी गिरा, जब अमीरों के घर में पानी भर गया तो गरीबों को क्या हुआ होगा? आम आदमी से लेकर के VIP आदमी बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रहा है। प्रेजेंट टाइम में यदि आपकी जेब में 200 रुपये है तो आप सब्जी नहीं खरीद सकते हैं। आप खुद सोचिए कि आदरणीय सम्माननीय पूजनीय नरेंद्र मोदी जी ने राजस्थान में मतलब घोषणा की कि मतलब 450 रुपये का सिलेंडर देंगे, ये तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, उनको तो पूरे मतलब हर राज्यों में करना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। BA मास्टर बिजनेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कोर्स करके ना जाने कितनी डिग्री लोग लेकर के कैपिटल चौराहे के पास यहीं चले जाइए, सर्वे कर लीजिए, फॉर्म भेज रहे हैं। इस बार लोग जो हैं बेरोजगारी और महंगाई पे मतलब वोट डालेंगे और इस बार परिवर्तन होगा और कांग्रेस और इंडिया मतलब गठबंधन जो हो रहा है वो पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है, मेरी अपनी पब्लिक व्यू है। कहाँ हैं आप? वो भाजपा तो कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। सर देखिए ऐसे तो मतलब दुनिया में रह रहे सर, ऐसे तो कह रही भारतीय सर, ऐसे तो भारतीय क्रिकेट टीम ने भी कहा था कि वर्ल्ड कप हम जीतेंगे। अच्छा। क्या हुआ फाइनल में मतलब वो हारी? देखिए लोग अपनी अपनी पार्टियां अपना मतलब लग रहा है भारतीय जनता पार्टी फाइनल में हार जाएगी। देखिए इस बार मतलब जो आम आदमी से लेकर के VIP आदमी परिवर्तन चाहता है, महाभारत में भी कहा गया है कि परिवर्तन ही मतलब संसार का नियम है, आम आदमी से लेकर के VIP आदमी सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है और वो परिवर्तन चाहता है और कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा, कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है जिनको आपको लगता है कि जनता उन्हें पसंद करेगी, राम मंदिर के मुद्दे को ठुकरा देगी? सर देखिए आपको बता दें, राम मंदिर जो ये राम सुनिए राम मंदिर जो बना हुआ है वो कोर्ट के फैसले से बना हुआ है, और आपको ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि मतलब सर लोग मतलब कहते हैं मतलब पढ़ लिख करके मतलब रोजगार उनको चाहिए कि मतलब, आप खुद सोचिए, मेरी अपनी पब्लिक व्यू है कि कांग्रेस जो पार्टी है वो बेरोजगारी महंगाई पे 2014 के पहले सिलेंडर मतलब 350-450 रुपये का था, उसका विरोध किया आदरणीय स्मृति ईरानी ने, रोड पे नाची थी, और आज जब सिलेंडर इतना महंगा 1250 रुपये का हो गया तो कोई कोई नेता क्यों नहीं विरोध करता है? ये मेरी अपनी पब्लिक व्यू है कि कांग्रेस पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रही है। अच्छा। आसमान में उड़ता पक्षी बाज होगा और 2024 में राहुल गांधी का ही राज होगा। पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ, पत्थर पीस के मैदा नहीं हुआ, मोदी को हराने वाला कोई माइक हलाल पैदा नहीं हुआ। जियो शांत से राहुल गांधी के नाम से। अच्छा। लोग सुनिए, लोग इंडिया की राजधानी नई दिल्ली को क्यों बदनाम करते हैं? लोग इंडिया की राजधानी नई दिल्ली को क्यों बदनाम करते हैं? आदरणीय सम्माननीय पूजनीय जो देश के भावी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं राहुल गांधी, सबसे पहले हम उन्हें सलाम करते हैं। 2024 में आपके लिए कौन से मुद्दे होंगे जिनके ऊपर आप वोट देना पसंद करेंगे? हम लोग तो भाई भारतीय जनता पार्टी का सरकार चाहते हैं। अच्छा, कोई मतलब नहीं दूसरे से? कोई मतलब नहीं? एकदम नहीं, एकदम नहीं। ये जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि महंगाई बेरोजगारी गरीबी बहुत बढ़ गई है, कांग्रेस एकदम खत्म हो चुकी है, उसका खेल खत्म हो चुका है, खत्म एकदम। आपको क्या लग रहा है 2024 में मुद्दा महंगाई रहेगा, राम मंदिर रहेगा, कौन सा मुद्दा रहेगा? नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल वो सही कह रहे हैं, ये मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई का होगा। मंदिर तो हमको लग रहा है कि 20% लोग पसंद कर रहे हैं, 20% के अलावा 80% लोग नहीं कर रहे, 80% बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। तो आपके लिए कौन से मुद्दे हैं? मुद्दा है बेरोजगारी है, मुद्दा है महंगाई है, तमाम सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के जनता सवाल कर रही है। सवाल आप देखिए, जहाँ वास्तव में सवाल उठना चाहिए वहाँ तो कोई जा ही नहीं रहा। अच्छा। आप आम जनता के बीच में जाइए, वो आपको बताएगी। अच्छा। कि हमारी जो समस्याएं हैं उसकी समस्याएं बेरोजगारी है। अच्छा। उसकी समस्याएं महंगाई है, वो महंगाई की मार चल रहा, इसी पर चुनाव होने वाला, मंदिर उंदिर कहीं होगा नहीं भैया,
मंदिर कहीं होने लग रहा है 80 सीटों में से उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कितनी जीतेगी, इंडिया गठबंधन कितनी जीत सकता है और देश के अंदर सरकार कौन बनाएगा? नहीं, आने वाला समय बताएगा, आने वाला समय बताएगा, ये सारी चीजें स्पष्ट हो जाए। ये मतलब आपको क्या लगता है देश का प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? बदलाव चाहिए, बदलाव होना चाहिए। बहुत मौका मिला, मोदी से नाराज हो गए? बहुत मौका नहीं, नाराज का सवाल नहीं है, इनके काम की बात कर रहे हैं। इनसे एक पूछ लीजिए, एक पूछ लीजिए जो इन्होंने वादा किया हो, अपने वादे पे खड़े उतरे हो, जो गारंटी की बात इन्होंने किया है, एक वादा करके अपना पूरा करके बता दी हो तो वोट ले लें दोबारा। अच्छा। जनता के बीच में जाकर के ये बता दें कि हमने दो करोड़ रोजगार की बात हमने किया था, तमाम सारे जो वादे किए थे इनकी, उस गारंटी की बात कर रहे हैं, उसके बाद वोट ले लेंगे। नहीं हुआ गारंटी? बिल्कुल नहीं हुआ, बिल्कुल। तो आपको भी लगता है कि मोदी जी जो गारंटी दिए थे अपनी कि देश के अंदर महंगाई कम होगी, भ्रष्टाचार खत्म होगा ये, और राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर तो खैर बन रहा है, लेकिन क्या लगता है कि मोदी जी अपने सारे वादों पर खड़े उतरे हैं? और आपके क्या मुद्दे होंगे 2024 में, आप किन मुद्दों पर वोट दोगे? मोदी जी किसी भी वादे पर पूरे नहीं निकले, और राम किसी भी वादे पर किसी नहीं, राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं था, कोई मुद्दा नहीं है, ये सब हमारी आस्था का विषय है, ये कोई मुद्दा नहीं था, महंगाई मुद्दा था। आस्था का विषय, आस्था आपकी पूरी मोदी जी करवा रहे हैं? नहीं नहीं, मोदी के करवाने से आस्था हमारी थोड़े पूरी होगी, वो तो मेरा अधिकार है, राइट है। अच्छा, आस्था मैं जिस पर करूंगा तो हमारे ऊपर है ना। अच्छा। हम मानते हैं तो मानते हैं, नहीं मानते तो नहीं मानते। ये मंदिर का कोई मुद्दा नहीं था, मुद्दा होता है विकास, बेरोजगारी समाधान, किसानों का समाधान, बेरोजगारों का समाधान और डेवलपमेंट। मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश के अंदर भारत माला योजना चल रही है और देश के अंदर रेलवे का प्रगति हो रही है, दिखाई देनी चाहिए, और दिखाई कुछ नहीं दे रहा है। जो आज हम देख रहे हैं ये 50 साल पहले भी मैं यहाँ देख रहा था, मैं लखनऊ का ही रहने वाला हूँ। अच्छा। जो देख रहा हूँ वैसे ही है। अच्छा। यही DRM कॉलोनी में मैं रहता था। अच्छा। पढ़ता था KKMC में। तो मतलब कोई विकास नहीं हुआ, कुछ विकास नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ पर भी और कहीं पर भी, कहीं भी कहीं नहीं। जय सरकार कह रही है कि हम गरीबों को राशन दे रहे हैं, सब कुछ ये राशन आपको... देखो राशन देना वो एक योजना है, वो तो पिछली सरकार ने शुरू किया था। क्या लग रहा है राम मंदिर के मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी सरकार बन? राम मंदिर, मंदिर पे ये सिर्फ एक वो छलावा है, राम मंदिर सबका है, हमारा एक का नहीं है, या भाजपा वालों का मंदिर नहीं है। अच्छा। ये सबे सर्वजनी का मंदिर है। अच्छा, और मैं अयोध्या रहने वाला हूँ, मेरा नाम वासुदेव यादव है। अच्छा। और ये छलावा मंदिर ये कर रहे हैं, किसी न्योता दे रहे, किसी ने सबका अधिकार है जाने का, ठीक है। और हम लोग सुनिए, हम लोग ऐसे पहुँचेंगे वहाँ पर बगैर जो है न्योता का,